पोकेमोन एक ऐसी दुनिया जहां पर आप अलग अलग टाइप के पोकेमोन देख सकते हैं और इस दुनिया में आपको इन सब पोकेमोन को पकड़कर बैटल जीतना होता है और अगर आप इन सारे पोकेमोन से जीत गए तो आप पोकेमोन चैंपियन कहलाओगे और इस माइनक्राफ्ट में मुझे 100 डे सर्वाइव करना पड़ेगा। पोकेमोन के वर्ल्ड में सर्वाइव करते वक्त मुझे बनाना पड़ेगा एक नया बेस और मुझे कम से कम एक जिम बैच जीतना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस पोकेमोन के वीडियो को। और गाइस मैं आ चुका हूँ पोकेमोन के वर्ल्ड में और मेरे पास बहुत सारे खतरनाक सामान है और ये सब मुझे मिला स्लगमा। और इस पोकेमोन को देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे टीम में एक फायर कार वो बंदा मुझसे जीत गया। पहली बात, मुझसे कोई जीत नहीं सकता और इसलिए मैंने इस बंदे को जमीन के अंदर गाड़ दिया और भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तरह तो मुझे जीतने के लिए कई दिन लग जाएंगे और इसलिए मैंने दीवार तोड़ा और डायरेक्टली जिम लीडर के साथ लड़ाई की घर बनाने में। सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे पिक्समोन सर्वर के अंदर। और गाइस अगर आप इस वीडियो के पार्ट वन नहीं देखा हो तो जल्दी से देख ले। इस जगह में कई दिनों के रहने के बाद मुझे दूसरी जगह पर जाना चाहिए ताकि मैं कई सारे जिम बैच को कलेक्ट कर पाऊँ। जब मैं इस जगह पर छोड़ने के लिए गांव के अंदर बाहर देखने लगा और तब मुझे एक घर के कोने में एक साइकिल मिला और हाँ, ये साइकिल कुछ ज्यादा ही काम का था और इस साइकिल की मदद से मैंने अपने सफर का रास्ता आराम से पार कर लिया और सामने जाते जाते मुझे एक डेजर्ट पिरामिड दिखा। और मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि इस डेजर्ट पिरामिड के अंदर कुछ अच्छा सामान नहीं था। डेजर्ट पिरामिड से निकलने के बाद मैंने यहाँ पे सैंडा कांडा दिखा और नाम से ऐसे लग रहा है कि इसे आयनोकोडा से उठाया होगा। और मैंने कुछ पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद आखिरकार सैंडा कांडा को पकड़ लिया और फिर मैं अपनी साइकिल की मदद से चला गया अपनी सफर की ओर। और कुछ देर बाद आगे बढ़ने के बाद मुझे मिला है कैसमोन पोकेमोन और कई सारे बैटल लड़ने के बाद आखिरकार मैंने पकड़ लिया है कैसमोन पोकेमोन। और ये पोकेमोन की एबिलिटी है किसी भी वेदर को चेंज कर सकता था। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे मिला एक जिम और आखिरकार मैं जिम के पास पहुंच ही गया। और जब मैं जिम के आजूबाजू देख रहा था तब मुझे गैबाइट पोकेमोन दिखा और बड़े छोटे पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद आखिरकार मैंने गैबाइट को पकड़ लिया और फिर मैं चला गया पोके सेंटर ताकि मैं अपने पोकेमोन को हेल कर सकूं। और कुछ देर बाद मैं बिना सोचे समझे चला गया जिम के अंदर और वहाँ के ट्रेनर का पोकेमोन कुछ ज्यादा ही खतरनाक था और आखिरकार मेरे पोकेमोन ने उसके पोकेमोन को हरा दिया। और आखिर में मैं चला गया जिम बैटल करने के लिए, लेकिन जब मैं नीचे उतरा तब मैंने देखा कि यहाँ पे जिम लीडर खड़ा है और ये जिम लीडर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था क्योंकि इसके खतरनाक पोकेमोन ने मेरे पोकेमोन को हरा दिया। और मैं उस जिम से निकलकर चला गया अपनी पोकेमोन को ट्रेन करने के लिए और कुछ दिनों ट्रेनिंग करने के बाद मैं फिर से लौटा जिम के अंदर और आखिरकार मेरे पोकेमोन ने उसके पोकेमोन को हरा दिया और मैंने यहाँ पर जीत चुका था अपना दूसरा जिम बैच। और मुझे किसी भी हालत में 8 जिम बैच चाहिए ताकि मैं पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट कर सकूं। और मैं जिम लीडर को थैंक यू बोलने के बाद वहाँ से निकल गया और मैं उसके बाद निकल गया अपनी दूसरी सफर की ओर। और जब मैं उस विलेज के पास पहुंचा तब मैंने एक बेलीफ पोकेमोन देखा और मैंने उसे पकड़ा नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से चिकोरिटा था। और कुछ समय बाद वहाँ पर रात होने लगा और मैं उस रात पोके सेंटर में रुका और सुबह होने के बाद मैं चला गया जिम के अंदर। और जब मैं उस ट्रेनर के साथ फाइटिंग किया और आखिरकार उसके पोकेमोन ने मेरे पोकेमोन को हरा दिया और इस जिम को देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा पोकेमोन चैंपियन का सपना सपना न रह जाए। और इसलिए मैंने फैसला किया कि इस जिम को मैं आखिरी में लड़ूंगा। और पहले मैंने अपने पोकेमोन को हेल किया और फिर मैं अपनी साइकिल उठाकर वहां से चला गया। साइकिल को चलाने का वक्त मैं भूल गया था कि मेरे पास एक उड़ने वाला पोकेमोन है। और फिर उसके बाद मैंने अपने पोकेमोन को बाहर निकाला और इसके ऊपर बैठकर चला गया। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे मिल चुका था एक नया विलेज और उस विलेज के अंदर एक जिम भी था और ये जिम बग टाइप का था और इस जिम के पोकेमोन कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे और मैं अपने पोकेमोन के साथ कई सारे बैटल जीता और आखिरकार मेरा गैबाइट इवॉल्व हो रहा था गार्चोम में। और मैं उसके बाद अपने फ्रोगेडर के साथ कई सारे बैटल जीता और कई सारे ट्रेनिंग के बाद मेरा फ्रोगाइडर इवॉल्व हो रहा था ग्रीन निंजा में। पता नहीं इस पोकेमोन को ग्रीन निंजा क्यों बोलते हैं और अगर मैं पोकेमोन का क्रिएटर होता तो मैं इसे ग्रीन निंजा नहीं ब्लू निंजा बोलता था। और मैं अपने पोकेमोन को ट्रेन करने के बाद पहुंच चुका था जिम में और हाँ, उसके नल्ले पोकेमोन ने मेरे पोकेमोन को हरा दिया। और फिर मैं उसके बाद वहां से निकल गया और मुझे लगा अपने पोकेमोन को मुझे और भी पावरफुल बनाना पड़ेगा और इसलिए मैं जिम छोड़कर वहां से निकल गया। और फिर मैं अपने ग्रीन निंजा के ऊपर बैठकर उस गांव से हमेशा के लिए निकल गया। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे यहां पर आइस टाइप जिम दिखा और हाँ, मुझे इस जिम को जीतने के लिए चाहिए होगा बहुत सारे फायर टाइप पोकेमोन जो कि मेरे पास नहीं था। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार और नए वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे ये पिक्सेलमोन वीडियो को।